Pasha Tinkerman here looking very, very pretty. And a big, big congratulations for the album. So, how first we like to know what kind of appreciation you have got until now. See, I'm just like, I mean, I've been getting a lot of good response on my projects which are coming up, and abhi I think aaj ek jo launch hua hai mera song Lumpy, I think it is a very, very important project of my life. So appreciation to bahut sara acha mil raha hai, and it's going too good by God's grace. Okay, tell us something about the Lumpy, the song. So basically, Lamhe has based on Fulwama attack, which has happened with the Indian Army, and we have tried up to bring like you know, एक आप लोगों ने हमेशा मुझे ये देखा होगा कि romantic songs कर रही है, आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि okay, सिर्फ मतलब ऐसे वाले songs हो रहे हैं, but ये जो song है ये बहुत important है मेरे लिए, and I think आप लोग को गाना आज लॉन्च है और देख के पता चल जाएगा कि ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि एक आर्मी की वाइफ जो भी होता है उनके बाद कैसे उन लोग सर्वाइव करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल दैट. सो ये बहुत प्यारा मैसेज है सारी जितने भी आर्मी में जो काम करते हैं उनके वाइफ के लिए एंड उनके फैमिलीज के लिए. ओके, सॉन्ग की बात करें तो बहुत ही टच किया है लोगों को. सो आपने पर्सनली कोई आर्मी फैमिली से ऐसा कोई बात की हो जो आप पोर्ट्रे कर सके इजीली इन अ पिक? नो, टू बी फ्रैंक आई हैवंट मेट एनीबॉडी लाइक ओके, बट मेरे ऐसे एक फ्रेंड है और मेरे जो कजिन्स हैं हु आर इन आर्मी एंड ऑल दिस. सो या उनके साथ मेरी एक दो बार बातें हुई थी लाइक यू नो हाउ डू दे सफ़र, इट इज़ रियली नॉट ईजी टू बी इन आर्मी एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट देन या ऐसे मैंने किसी को पूछा नहीं, बट आई हैव जस्ट परफॉर्म्ड माय 100%. ओके, द एल्बम इज अबाउट द पुलवामा अटैक. सो द रिसेंटली द रिलेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, सो व्हाट यू लाइक टू से अबाउट दैट? First of all, no comments about it. I mean, I would not love to say anything about it. But then, जो भी हो रहा है, I think it is not good. So, बस वही बोलना चाहूँगी. मतलब उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना. Okay, lastly, any upcoming project you like to share other than Lamhe? Yo, I am coming up with Makki 2, which is in South. So I'll be up shooting up in Hyderabad next month. And yeah, my songs are releasing. ऐसे ही प्यार देते रहे ना, support करते रहे ना, बहुत सारे projects आ रहे हैं साथ में. So काफ़ी excited हूँ and hope for the best. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से और लोगों को छू रहा है ये गाना. सबसे पहला तो थैंक यू. दीप्ति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस मैन के साथ? एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा था. बहुत मतलब एक्साइटमेंट भी थी हमारे उसमें शूट पे, और मतलब काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट हमने मतलब करी, और उसके बाद बाकी आप वीडियोस में आप देखेंगे. और बाकी ट्विंकल कपूर की वाकई दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि -5 डिग्री टेम्परेचर था, ऑक्सीजन की कमी थी जहाँ पे हमने शूट किया जहाँ पे. और बाकी आप जो एक्ट देखेंगे उसमें आपको महसूस नहीं होगा कि मतलब इतना मतलब मुश्किल में होते हुए भी उन्होंने एक्ट किया. सो मेरी तरफ से तो बधाई, ये बधाई के पात्र ये हैं. मैं तो क्या कहना चाहेंगे, हम लोग एक्चुअली कॉम्बी फ्लेम पे जी रहे थे वहाँ पर, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी. जो हम लोग अभी प्ले करने वाले सॉन्ग आई थिंक आप लोग को पता चल जाएगा, एंड मैं दीप को ये बोलती थी मेरे से होएगा ही नहीं अभी ये सीन, तो मुझसे होगा ही नहीं, बट ही यूज़ टू बी लाइक नो नो कैसे कैसे नहीं होगा. सो वी हैड मतलब अ वेरी वेरी टफ टाइम, बट हम लोग ने हमारा 100% परफॉर्म करने का ट्राई किया है सॉन्ग. ओके, दीजिए दीजिए, आप दोनों से पहले जानना चाहिए ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया, क्या हमें पुलवामा अटैक को ट्रिब्यूट करना चाहिए? नहीं, हमने बेसिकली पुलवामा अटैक को हमने नहीं किया, मतलब कंसीडर नहीं किया, हमने जो भी आर्मी फैमिलीज को कंसीडर किया है, क्योंकि पुलवामा अटैक तो एक बेसिकली एक हो गया ना कि सिर्फ पुलवामा के ऊपर है. बाकी आप वीडियो देखेंगे आपको देखेगा उसमें पुलवामा को लेकर हमने कुछ नहीं है, ठीक है. बाकी ये है कि एक आर्मी की जो हमारी फैमिली होती हैं उनके मतलब क्या फीलिंग्स होती हैं, वो सारा कुछ हमने इसमें मतलब गाने की कोशिश करी है. बस यही बोलना चाहूँगी दीप हसन को एंड मे को ये गाने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, बिकॉज आई थिंक हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए. और बोलिए कुछ पंजाबी में. बाकी कहने की गल ये है कि मतलब जो हमारी शूट लोकेशन थी वो हमारी दिल्ली से आई थिंक ऑलमोस्ट 26 आवर्स की हमारी ड्राइव थी, ड्राइव करके हम वहाँ गए, और 5 डेज का हमारा शूट स्केड्यूल था. मतलब कोई, और इनकी जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मतलब कोई टेंटरम नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, जहाँ पे ठहराया वहाँ पे रुकी, जो खिलाया वो मतलब सिर्फ मैगी मिल रही थी वहाँ पर एक्चुअली. और हम लोग सिर्फ पूरी टीम मैगी पर जी रहे थे वहाँ पे, बिकॉज जो काजा करके कुछ प्लेस था वहाँ पर देर इज़ नो मतलब ज़्यादा यू नो वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज़ें नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पर बिल्कुल.
लेकिन फिर भी आपको वीडियो में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि मतलब इतना किया हुआ, क्योंकि एक्ट इतना अच्छा किया है, गाने की स्टार्टिंग में ही मतलब दिल जीत लेती है हमारी ट्विंकल कपूर। ओके, अब वो तो नो डाउट मैम इतनी खूबसूरत दिखते तो दिल तो जीतेगी नहीं, बट ये सॉन्ग में एक्चुअली आप लोग मुझे ऐसे देखोगे कि मतलब हमेशा एक डिफरेंट रोल है इस गाने में, ये सॉन्ग में आई थिंक दीप ने जो आई थिंक मेरे में चेंजेस लाए जो पूरे लुक में, आई थिंक आप लोगों ने ट्विंकल कपूर को ऐसे कभी नहीं देखा होगा, दैट्स फॉर श्योर। ओके, ट्विंकल कपूर इन फ्यूचर क्या सिंगिंग करने में ट्राई करना चाहेंगे आप? ये तो बताओ, ये तो मैं भी सुनना चाहूंगा। वैसे मेरा आवाज बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट अगर दीप मुझे ट्रेन करेंगे तो फॉर श्योरली मैं सोचूंगी। तो पक्का पेट पे लात लगेगी अपने। तो या ऐसे मैंने सोचा नहीं कि कभी मैं किसी सॉन्ग में गाना गाऊंगी, बट अगर हाँ थोड़ा सा आवाज ठीक रहा तो फॉर श्योरली आई विल ट्राई। नहीं करेंगे, अगले कुछ अगर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें जरूर कोशिश करेंगे। ओके, मैं वही बोल रहा था कि और बाय द वे हमारा एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, वी आर कमिंग अप विद आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर, सो ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे जो अलग अलग और जो काफ़ी अच्छे। बाकी ये जो हम जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इसका लाने का ये मकसद ये था कि अब तक ट्विंकल कपूर का जो भी लोगों ने एक वो रूप देखा है या जो भी उनकी वो है, मतलब कहता ना एक वो होता है कि हाँ यार इसकी ये प्रोफाइल है, इनकी ये प्रोफाइल है, बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते कि क्या परफॉर्म किया है ट्विंकल कपूर ने इस वीडियो में। सो हैट्स ऑफ लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहिए, ऑलरेडी आ चुके बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप बताओ फिर मैं बोलूँ। मैं बोलूँ, मैं सारे जितने भी लोग हैं जो मेरे वेल विशेज हैं उनको ये बोलना चाहूँगी, जैसे आज आई थिंक ये पोस्टर मेरा मैंने वायरल किया है, सो आई थिंक आई कैन सी इट ऑल ओवर, सो ऐसे ही प्यार देते रहना एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, बिकॉज आप लोग हो तभी मैं हूँ।